आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान अमन आर्य, नूर आर्य एवं दिव्या बसदराय और निशांत बसदराय यज्ञ वेदी पर उपस्थित हुए। यज्ञ ब्रह्म सुरेश शास्त्री ने पवित्र पावन वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज की सोनू भारती ने यज्ञ प्रार्थना करवाई। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सुरेंद्र गुलशन ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। मुख्य वक्ता प्रिंसिपल नरेश धीमान ने कहा कि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट रूप से कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने छुआछूत और ऊंच नीच का भेद मिटाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने जहां सभी का धन्यवाद व्यक्त किया, वहीं आर्य समाज के मंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन कर आए हुए सभी याज्ञिक परिवार को सम्मानित करते हुए कार्यक्रम को संपन्न करवाया। इस अवसर पर विजय चावला, डिंपल भाटिया, अश्विनी डोगरा, नवीन कुमार चावला, कुबेर शर्मा, अशोक धीर, बैजनाथ, सुरेंद्र खन्ना, रवि पोडवाल, राजीव कुंद्रा, वेद कुमार भाटिया, नौनिहाल सिंह, सोनिया सोडी, अर्श सोडी, सुभाष आर्य, अनु आर्य, हरविंदर सिंह बेदी, रविंदर कौर बेदी, प्रवीण लखनपाल, प्रवीण शर्मा, चौधरी हरीश चंद्र, वेद प्रकाश भाटिया, ओम प्रकाश मेहता, पूनम मेहता, सुरेंद्र अरोड़ा, बैजनाथ, ओम प्रकाश मेहता, ओम मल्होत्रा, केदारनाथ, ललित मोहन कालिया, जगदीश भाटिया, गीतिका अरोड़ा, रहमत भाटिया, मोनिका अरोड़ा, ईश अरोड़ा, रमा गुप्ता, हेमलता, अनुष्का, रिद्धिमा, नवीन चावला, संदीप अरोड़ा, मोहित खन्ना, राजीव कुंद्रा, मधु गुप्ता, नरेंद्र गुप्ता, सुनीता जोशी, अनिल कुमार कोहली, हेमा, रूपल, मोहित खन्ना, रेवा खन्ना, रवि आर्य, तृप्ता चावला, केदारनाथ शर्मा, दयाराम, प्रभावती, गौरव आर्य, अशोक धीर, सुनील विज, सुरेंद्र गुप्ता, गीतिका अरोड़ा, नंदनी शर्मा, नौनिहाल सिंह, सोनिया सिंह, ध्रुव मित्तल, राजीव कुंद्रा, शिव मित्तल, सुनील विज सहित अन्य नगर निवासी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। पंजाब के लिए संस्कृति के लिए बहुत जरूरी। एक और आर्य समाज और दूसरी और सिख परिवार, दोनों के ही संस्थापक, एक के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज और दूसरे महर्षि दयानंद सरस्वती, दोनों ही हिंदू समुदाय का अंग है, दोनों ही हिंदू समुदाय को जागृत करने के लिए, उसकी रक्षा के लिए इनके अनुयायियों ने अपने बलिदान दिए।